अभी हम लोग आए हुए हैं नदी में साफ पानी खोजने, क्योंकि इधर कुआं भी नहीं है। और एक वाट फाइनली 2 घंटा का मेहनत के बाद इतना गाड़ी इधर उठ गया, लेकिन इधर दब गया है। अरे हम लोग का गाड़ी फंस चुका है यहाँ, और हम लोग निकालने के लिए कुछ अथी लगा रहे हैं। कितना सुंदर नजारा, बहुत बहुत सुंदर। और वहां गांव है, मजेदार ना। अरे मैं चूदा बच्चा। अरे हम लोग का गाड़ी फंस चुका है यहाँ, और हम लोग निकालने के लिए कुछ अथी लगा रहे हैं। व्यवस्था अरे पत्थर डालना पड़ेगा, वो चलो ना निकलेगा। अब डाल चुके हैं, अब ये रहे माप थी, निकलना चाहिए। लेकर लेकर तुझे पीछे ले जा, चल चल पीछे ले, चल आगे ले। को हटाओ चल, 2 घंटा का मेहनत के बाद इतना गाड़ी इधर उठ गया, लेकिन इधर दब गया है। बहुत मेहनत लगा, गाड़ी फंस गया। सब कोई मेहनत कर रहे थे गाड़ी निकालने के लिए, और परवीन सबसे मेहनत कर रहे हैं। और देखते हैं गाड़ी निकलता है आखिरी में, नहीं निकलता है, ट्रैक्टर भी नहीं मिल रहा है। गाड़ी 2 घंटा नहीं, कम से कम 5 घंटा मेहनत करने के बाद गाड़ी निकला है, और बहुत ही मेहनत के बाद। और पूरे गांव के लोग आए थे मदद करने, उसके बाद निकला। और हम लोग का गाड़ी जैसे निकला उसके बाद बारिश आ गया, और नदी में बाढ़ भी आ गया, नहीं तो हम लोग का नदी बह गाड़ी बह जाता। बोलो तो बहुत खतरनाक ब्लॉग, बहुत खतरनाक ब्लॉग, ऑफरोडिंग पड़ा महंगा ऐसा कुछ हाल। तो पूरा प्राय शरीर पूरा गंदा, गाड़ी निकालने का मेहनत, और बहुत खराब स्थिति, गंभीर। तो गाइस फाइनली वहाँ उतर रहे थे, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे, फिसल रहे उसको
भयंकर चल भयंकर भयंकर गांव, हालत खराब। अभी हम लोग आए हुए हैं नदी में साफ पानी खोजने, क्योंकि इधर कुआं भी नहीं है और एक वाटर पंप है लेकिन लाइट ही नहीं है। बारिश आ गया तो अब लाइट तो नहीं रहेगा, सो अब कुछ किया नहीं जा सकता। सो इस पानी देख रहे हैं ना हालत कैसा है, इस पे नहाने जा रहे हैं, देखते हैं करना क्या पड़ेगा, इसी पे नहाते हैं या फिर क्या करेंगे, देख सकते हैं। और यहाँ का नज़ारा, ये गांव इतना क्या बोले, पूरे चारों 360 पूरा पानी से ही भरा हुआ है, नदी से ही घिरा हुआ है, तो कोई उपाय नहीं है निकलने का। अब निकलने के लिए ऐसा ऑफ रोडिंग करके आया ना कि जाने पर अभी घर भी नहीं जा सकते ऐसे बरसात में। तो अब देखते हैं उपाय क्या है, क्या करना चाहिए। हम नहाने का पहले व्यवस्था करते हैं, हालत पूरा गंभीर है और पूरे गांव वाले ने हेल्प किया इसलिए गाड़ी निकल पाए, तो बहुत बहुत अच्छा लगा सबों का हेल्प से निकल पाया गाड़ी। सो मिलते हैं आगे ब्लॉग में, बने रहिए। सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं कटकाई और ये रहा कुछ रास्ता, हाँ अपना दादू घर है कटकाई महुआ टोली, और ये है रास्ता कुछ ऐसा, और इधर है पहाड़ इधर एक तब सांप है, इधर बेंग है, ऐसा कुछ कहानी है, ऐसा कुछ रीत है, पता नहीं क्या है, पहाड़ का नाम बेंग है। और मौसम कुछ खराब हो चुका है, और उधर कुछ दिख रहा होगा बेंग जैसा, इसलिए इसको बेंग पहाड़ बोला जाता है। यहाँ से जंप कर रहा था बेंग, ऐसा कुछ कहानी है। और अच्छा दिखता होगा, उधर एक पहाड़ है, दिखाते हैं आगे, उधर एक पहाड़ है उसमें सांप, हाँ मुंह फाड़ के खड़ा है उधर, लेकिन वो सांप तो आजकल नहीं दिखता है, झाड़ी सब हो गया, क्या क्या कहानी है। और उस इस मतलब इस पहाड़ से बेंग डेग रहा था उस पहाड़ में, वो वाला जो पहाड़ दिखेगा आगे, ये पहाड़ दिख रहा आगे, उसमें जंप कर रहा था, तो अगर जंप करता तो जो दोनों पहाड़ है सांप उसको खा जाता बेंग को, और दोनों पहाड़ एक दूसरे से मिल जाता, देख सकते हैं। और सांप तो नहीं दिखता है, सांप तो खो गया है वो पहाड़ में। और ये हम लोग जा रहे हैं चैनपुर महुआ टोली, कटकाही महुआ टोली हम लोग जा रहे हैं, ये रहा रोड। हवा बहुत जोर का हवा चल रहा है, मौसम बहुत ही सुहाना, बारिश बारिश वाला मौसम, और रोड भी अभी बन चुका है कुछ हद तक, काफी अच्छा। सीन कुछ ऐसा था कि उधर फोन चार्ज करने का कुछ जरिया नहीं था, इसलिए फोन ऑफ था, इसलिए बहुत सारा वीडियो एंड क्लिप मिस हो गया, बहुत अच्छा अच्छा जगह का। और इधर देखते हैं क्या हाल है आगे चल के, लाइट है नहीं है, मिलते हैं ब्लॉग में, बने रहिए आप। बहुत पुराना है हम लोग कटकाही चर्च पहुंच चुके हैं, ये है कटकाही चर्च, अंदर में घुसेंगे तो आते समय ये देख फादर लिवंस, यही वाला हां ये फादर लिवंस है, अच्छी गाड़ी आ रही है, कौन सी छुआ नहीं है। और इधर से भी गेट है, उधर से भी दोनों तरफ से गेट है, और इधर हम लोग अपने गांव के लोग और रुख मोड़ चुके हैं, ये संत मरिया गिरजा कटकाही कटकाही, ये है कटकाही चर्च, इधर से गेट है।